ऑसम। तो गाइज आप सब लोगों ने तो म्यूचुअल फंड के बारे में समझ ही लिया कि क्या है ये, कैसे काम करता है वगैरह वगैरह, लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इन्वेस्ट करूं तो कैसे करूं। मतलब म्यूचुअल फंड में जब आप जाते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन शो करते हैं। अब ये ऑप्शन क्या हैं, अलग अलग जो फंड के नाम है, जैसे डेब्ट म्यूचुअल फंड है, इक्विटी है, मतलब बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपको दिख जाते हैं जब आप म्यूचुअल फंड में जाते हो तो। लेकिन अब आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है, कौन से में पैसा लगाना चाहिए और कौन से में नहीं लगाना चाहिए, और अगर गलत म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगा दिया तो हो सकता है पैसा आपका लॉस भी हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको अभी तक यही नहीं पता कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो मैंने ये वाली वीडियो में पूरा बता रखा है म्यूचुअल के बारे में, तो इस वीडियो का लिंक आई बटन पे है, क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख लीजिए। फिलहाल के लिए जो आपका क्वेश्चन है सबसे बड़ा कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है, कौन से में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइस म्यूचुअल फंड जो है बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा आता है डेब्ट, उसके बाद तीसरा आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब ये तीनों को मैं एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहला इक्विटी की बात कर लेते हैं। तो अब इक्विटी का मतलब ये है कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लग रहा है, स्टॉक्स में लग रहा है पैसा, ठीक है। अब इक्विटी के अंदर जब जाओगे आप तो इक्विटी में भी काफी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, लार्ज कैप खुल जाएंगे, मिड कैप खुल जाएगा, स्मॉल कैप आ जाएगा, फ्लेक्सी कैप आ जाएगा। अब इन कैप का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला जो है लार्ज कैप, लार्ज कैप का क्या मतलब है कि आपका पैसा निफ्टी 50 जो होता है, यानी कि अपने इंडिया में ना दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को NSE बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को BSE बोलते हैं। तो जो NSE पर टॉप 100 कंपनी है ना, वो लार्ज कैप है, सीधी सी बात है। और उसके बाद जो 100 के बाद वाली कंपनी है वो मिड कैप है, उसके बाद वाली जो कंपनी है वो स्मॉल कैप है, और जो फ्लेक्सी कैप है, फ्लेक्सी कैप का मतलब ये कि आपने वहां पे उस फंड मैनेजर को, जो भी ANC कंपनी होती है, उसको आपने ये बोल दिया है कि हमारा पैसा को आप चाहो तो, अगर आपको लगता है यहाँ पे डालना है तो लार्ज कैप में डाल दिया, वहाँ पे डालना है तो वहाँ पे, मतलब उनके पास उनकी मर्जी है, जो सही परफॉर्म करेगा वहाँ पे वो पैसा आपका डाल सकते हैं। और मल्टी कैप का मतलब है कि आपका पैसा हर जगह लग सकता है, कहीं पे भी लग सकता है, जो भी उनको बेस्ट लगता है वहाँ पे पैसा लग जाएगा। तो अल्टीमेटली ये होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब, ठीक है। यानी कि आपको समझ में आ गया कि आपका पैसा स्टॉक्स में लगना है। आई होप चीज़ें आपको बहुत ही डिटेल में क्लियर हो रही होंगी, और मैं आसान भाषा का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ना कि टेक्निकल भाषा ना लोगों को समझ नहीं आती, इसलिए आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। उसके बाद दूसरे तरह का जो म्यूचुअल फंड होता है, जिसको डेट म्यूचुअल फंड बोलते हैं, ये म्यूचुअल फंड थोड़े से सेफ माने जाते हैं। सेफ इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे इसमें जो पैसा आप लगाते हो ना, वो बॉन्ड्स वगैरह में लगते हैं, मतलब गवर्नमेंट के कामों में लगते हैं। तो यहाँ पर ना, अगर आपका गोल है जैसे आप थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपके पास समय कम है, तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी ओवरऑल ये म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अगर टाइम आपके पास कम है, आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो, तब आप इसको चूज कर सकते हो। बाकी अगर लंबे टाइम के लिए करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से गलत है। बाकी एनालिसिस कर सकते हो आप। एनालिसिस कैसे करते हैं, मैं इसी वीडियो में आपको एग्जैक्ट दिखाने वाला हूँ। उसके बाद तीसरा जो आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, इसमें बेसिकली ये आपको इक्विटी और डेब्ट दोनों में इसका पैसा लगता है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये इसमें आपको पैसा नहीं लगाना है, बस सीधा सीधा यही समझ लो, इसमें आपको पैसा नहीं लगाना है। अब क्यों नहीं लगाना वो मत पूछना, क्योंकि बस नहीं लगाना आपको, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड ना किसी काम का नहीं है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। बाकी एनालिसिस आपकी होगी, डिसीजन आपको लेना है। मेरा जो मतलब फर्ज था कि हाँ क्या सही आपके लिए, वो मैंने एग्जैक्ट आपके आगे बता दिया। अब गाइस मैंने ना अभी जस्ट जिक्र किया टाइम का, कि आपका टाइम होराइजन क्या है, आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। म्यूचुअल फंड में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन में यहाँ पे रिटर्न कमा लोगे, एक महीने में कमा लोगे, ना हो सकता है आप कमा लो थोड़ा बहुत, लेकिन अच्छा रिटर्न आपको चाहिए ना, तो आपको लंबा टाइम पीरियड लेना होगा, एक गोल सेट करना होगा, जैसे कि आपका पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट करने का। हो सकता है आपकी रिटायरमेंट हो सकती है इन्वेस्टमेंट, या हो सकता है बच्चों की शादी हो सकता है आपका जो गोल है, वो आपका हो सकता है कि मैं बच्चों की शादी करना चाहता हूँ आज से 20 साल के बाद, यानी कि आप 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या हो सकता है आप 5 साल के लिए कर रहे हैं कि 5 साल के बाद मुझे अपना घर लेना है, या 3 साल के बाद मुझे अपनी गाड़ी लेनी है, मतलब जो भी
हो, वो आपका गोल होगा, एक गोल आपको सेट करना है पहले, उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड वो करना है कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ टाइम की। ठीक है, तो टाइम आप ऐसा समझ लो मेरे अकॉर्डिंग कि जो 5 साल से कम है वो शॉर्ट टर्म है और जो 5 साल से ज़्यादा है वो लॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड चूज कर लो ना, चाहे डेब्ट में पैसा डाल दो, हाइब्रिड में डाल दो या इक्विटी में डाल दो, पैसा आपका ग्रो होना ही है, क्योंकि टाइम आपको आपने उनको बहुत दे दिया ना 5 साल से अबव, तो पैसा आपका ग्रो होगा कोई सा ही म्यूचुअल फंड चूज कर लो। बट हम क्यों ना सही म्यूचुअल फंड चूज करें जिससे कि हमारा पैसा लॉन्ग टर्म में बढ़े और भी ज्यादा बढ़े, तो है ना कमाल की बात। तो मैं आपको सही म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं और एग्जैक्ट बताऊंगा आपको कि आप चूज कैसे कर सकते हो, और उसके बाद ना आप किसी से टिप नहीं मांगोगे यार कि कोई म्यूचुअल फंड बता दे कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, किसमें पैसे डालने चाहिए, ये आप किसी से नहीं पूछोगे, बल्कि उल्टा आपसे लोग पूछेंगे कि भाई कोई अच्छा सा म्यूचुअल फंड बता दे, आपके पास एक्सपर्टीज हो जाएगी ना म्यूचुअल फंड की, तो वो आपसे एडवाइस लेंगे कि भाई कोई अच्छा सा म्यूचुअल फंड बता दे जिसमें मैं पैसे डाल सकूं, तो आप उनको टिप्स देकर उनकी भी हेल्प कर सकते हो। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर, मैं बात कर रहा था टाइम होराइजन की, कि आपका जो टाइम पीरियड है ना वो आपको डिफाइंड करना जरूरी है पैसे डालने से पहले। ठीक है, अब जब आपने डिफाइंड कर लिया कि मेरे को 5 साल से कम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है या ज्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड चूज करना है। अब म्यूचुअल फंड चूज करने में ना आपको 2 चीजें ध्यान रखनी होगी, एक होता है एक्सपेंस रेशियो और दूसरा होता है एग्जिट लोड चार्ज। ये 2 चार्ज आपसे AMC कंपनी जो होती है, यानी कि एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी होती है, जो अपना अपना फंड लेके आती है जिसको हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं, तो वो कंपनी क्योंकि उनके यार एक्सपर्ट सब हैं जो फंड मैनेज कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी निकालनी होती है ना, तो वो एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करती है, और ये रेशियो 0% से लेके 2% तक का हो सकता है। वैसे 0 कोई नहीं चार्ज करता और 2 बहुत रेयर होता है चार्ज करना, लेकिन अल्टीमेटली उनको तो पैसा कमाना है तो कुछ ना कुछ तो आपसे चार्ज करेंगे। ठीक है, तो पहला चार्ज ये हो गया। दूसरा आता है एग्जिट लोड चार्ज। एग्जिट लोड यानी कि देखो, किसी भी म्यूचुअल फंड का ना एक टाइम पीरियड होता है। अब मान लो आप लॉक इन से पहले पैसे निकालना चाहते हो, मान लो उसका लॉक इन पीरियड 2 साल का है, 3 साल का है, उससे पहले आप पैसे निकालोगे ना तो वो आपसे चार्ज करेंगे, जिसको एग्जिट लोड चार्ज बोलते हैं। वो चार्ज कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, बेसिकली वो 0% से लेके 4% तक का होता है। अब 0 इसीलिए कि अगर आपने लॉक इन पीरियड के बाद निकाला तो फिर तो आपको चार्ज नहीं लगेगा ना, या बहुत कम लगेगा। तो गाइस, इसीलिए म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले आपको ये दोनों चीजें देखनी होगी। अब कैसे देखते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो के। अब वो चीज बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपनी पर्सनल ओपिनियन दे देता हूं, जो मैंने ऑब्जर्व किया अभी तक म्यूचुअल फंड के साथ, कि आपको हमेशा इक्विटी में पैसा डालना चाहिए। ठीक है, अब इक्विटी में ना मैंने जैसा बताया आपको, लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है, उसके बाद में मल्टी कैप होता है, फिर आता है फ्लेक्सी कैप। तो आपको कौन से म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए? देखो, ऐसा बोला जाता है, ऐसी कहावत भी है कि जो लार्ज कैप होता है ना वो हाथी होता है, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो धीरे धीरे चलेगा, लेकिन चलेगा जरूर, भागने वाला नहीं है। और जो मिड कैप होता है ना वो ऊंट होता है, तो ऊंट डेफिनेटली जो वो हाथी होते हैं उससे ज्यादा तेज भागते हैं, और जो स्मॉल कैप होते हैं वो घोड़े निकल जाते हैं जो कि सबसे ज्यादा तेज भागते हैं। तो अब ऐसा नहीं आंख बंद करके स्मॉल कैप में ही लगा देना, कभी कभी घोड़े गधे भी निकल जाते हैं। तो ये चीज आपको डिफाइंड करनी होगी, आइडेंटिफाई करनी होगी कि कौन घोड़ा है कौन गधा है। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान से दोनों में फर्क देखना होगा। कैसे देखेंगे, क्या हम क्या कर सकते हैं, सारी चीजों की एनालिसिस हम चलते हैं स्क्रीन पर। मैं ले चलता हूं आपको अपनी स्क्रीन पर, और मैं आपको एग्जैक्ट दिखाता हूं कि किस तरह से आप किसी भी म्यूचुअल फंड की एनालिसिस कर सकते हो और आप निकाल सकते हो कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हम लोग टिकर टेप की वेबसाइट पे हैं। हम लोग अपना म्यूचुअल फंड एनालिसिस करने के लिए टिकर टेप का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप चाहो तो कोई सा भी स्कैनर यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं टिकर टेप का यूज़ करने वाला हूँ। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो स्कैनर खुलेगा, एक MF स्कैनर है और एक स्टॉक स्कैनर है। तो हम लोग MF पे क्लिक करेंगे, MF यानी कि म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ढेर सारे म्यूचुअल फंड आ चुके हैं। ठीक है, ये देख सकते हो आप, जिनके यहाँ पे आपको नाम दिख रहे हैं। ठीक है, कैटेगरी दिख रही है, कौन से फंड है, जिसे मैंने आपको बताया था, हाइब्रिड है, लिक्विड है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। प्लान है, कौन सा प्लान है इनका, और AUM का मतलब ये है कि इनका पास कितना कैपिटल है, कितने हज़ार करोड़ ये संभाल रहे हैं, और ये 3 ईयर में कितना रिटर्न दिखाया है वो है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेंस रेशियो, जो मैंने आपको बताया था,
कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो एक एक्सपेंस रेशियो करता है, तो वो एक्सपेंस रेशियो कितना लग रहा है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देख सकते हो आप ऊपर में ही। ठीक है, तो अब मैंने जैसा कि आपको 3 म्यूचुअल फंड के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे हैं। कॉमोडिटीज़ में भी आप पैसा लगा सकते हो, ठीक है, यानी कि जैसे कि गोल्ड्स वगैरह में, तो वो सब अलग चीज़ें। डेप्ट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पैसा आप शॉर्ट टर्म के लिए लगा सकते हो, ठीक है, तो इसमें आप अलग अलग इसमें फंडिंग चूज़ कर सको, कौन सा कौन कौन से फंड में आप पैसा लगाना चाहते हो, कौन से सेक्टर में लगाना चाहते हो, कॉरपोरेट बॉन्ड्स हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उसको आप देख सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ इक्विटी को, कि आप इक्विटी में पैसा लगाएं, ठीक है। अब इक्विटी में आप देख सकते हो काफ़ी सारे फंड हैं, आपको दिख रहा होगा फोकस्ड फंड है, लार्ज है, कैप है, मिड कैप है, इंडेक्स है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, आपको अपना पहले गोल डिसाइड कर लेना है कि आप कितने टाइम के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहते हो, ठीक है। तो गाइज, अगर आपका गोल है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो, तो आप मिड कैप भी चूज़ कर सकते हो और नीचे जो आप देख सकते हो स्मॉल कैप, ये भी चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपका गोल है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि 5 साल से कम है, तो आप लार्ज कैप एंड मिड कैप या इंडेक्स फंड जैसे फंड्स को चूज़ कर सकते हो, ठीक है, इक्विटी के अंदर। वो आपकी एनालिसिस होगी, आपको खुद चूज़ करना है। और हाइब्रिड में भी मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे हाइब्रिड फंड्स हैं, तो मेरे हिसाब से ये भी बेकार है, इसमें भी पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इससे ज़्यादा रिटर्न आप कहीं और से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था एग्जिट लोड के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जिट लोड, अगर मैं सर्च करूँ तो, हम फिल्टर लगा देते हैं, ये रहा, और डन कर देते हैं। यहाँ पे अब आप देख सकते हो एक्सपेंस रेशियो के साथ एग्जिट लोड आ गया। तो ये कंपनी का जो म्यूचुअल फंड है, SBI इक्विटी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, तो इन्होंने क्या किया है, पिछले 3 साल में 14% की रिटर्न दी है, और इनका एक्सपेंस रेशियो 0.81 का है, और 1% का इनका एग्जिट लोड है, ठीक है। तो अब ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, हम इसमें फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे कि हमको इक्विटी चाहिए, तो यहाँ पे जितने भी इक्विटी के हैं ये सब आ गए। ये देखिए फ्लेक्सी कैप, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें आपके, यानी कि इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ये आपका पैसा चाहे तो यहाँ उठा के डाल सकते हैं, चाहे तो वहाँ उठा के डाल सकते हैं, जहाँ भी आप इनको लगेगा सही जा रहा है तो वहाँ पे आप पैसा डाल देंगे। इनके पास देखिए इतना पैसा है, 35,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए मैनेज कर रहे हैं ये, और पिछले 3 सालों में इन्होंने 15% की ग्रोथ दिखाई है। इनका एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं, और एग्जिट लोड ये है, ठीक है। अब एग्जिट लोड ज़्यादा भी होता है कई बार, ये देख सकते हो 2-2% तक एग्जिट लोड कटता है। और एक्सपेंस रेशियो को मैं दिखा देता हूँ, एक्सपेंस रेशियो देखिए 2.5% से भी ज़्यादा कट रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने के ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए करोगे ना, तो यहाँ पे आप एड फिल्टर लगा सकते हो कि आपको 5 ईयर्स के लिए करना है। हाँ, यहाँ पे आ चुका है, अब ये देख सकते हो 5 ईयर, और 10 ईयर भी कर सकते हो, लेकिन 10 ईयर में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड नए आते हैं ना, तो वो 10 साल पुराने होते नहीं हैं। तो अब ये आप देख सकते हो, ठीक है, इस म्यूचुअल फंड ने 5 साल के अंदर 14% की ग्रोथ दिखाई है, और इसने 23% की, ठीक है। ये SBI टैक्स एडवांटेज फंड है, और इनके पास देखिए ये इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड है, ठीक है। इनके पास जो पैसे हैं वो कम है मैनेज करने के लिए, और इस कम पैसों में इन्होंने 3 साल के अंदर 32% की ग्रोथ दिखाई है, और एक्सपेंस रेशियो जो है वो आप देख सकते हो इनका लगभग लगभग 2.5% से भी ज़्यादा है, और एग्जिट लोड कुछ खास है नहीं, लेकिन उसमें रिटर्न इन्होंने अच्छी दिखाई है, 23% की रिटर्न दिखाई है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, हाइब्रिड का चाहो तो हाइब्रिड का भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, बाकी मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता हूँ हाइब्रिड के लिए। इनमें से आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड उठा सकते हो। अब किसी को भी अंदर जाओगे ना, तो आपको जैसे कि ये देख रहा है ब्लू चिप फंड, ठीक है, एक्सिस बैंक का ब्लू चिप फंड है। अब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको कुछ चेकलिस्ट सब ओपन होगी, ठीक है। रिटर्न्स यानी कि इन्होंने अच्छी रिटर्न दी है, अभी आप देख सकते हो पिछले 5 सालों में इनका मतलब 50 रुपये के आसपास NAV चलता है। NAV यानी कि जो भी, मतलब ये आप म्यूचुअल फंड में डालते हो तो ये आपको एक NAV दे देते हैं, जिसकी प्राइस बढ़ती जाती है। अभी पिछले 1 महीने में 3% की इन्होंने ग्रोथ दी है, और पिछले 6 महीने में 13% की ग्रोथ, जो कि एक अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। 1 ईयर की बात करूँ तो 1 ईयर में साइडवेज रहा है, ऑलमोस्ट 6% का डाउन देखने को मिला है पिछले 1 ईयर में। उसका कारण हो सकता है मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश थी,
तो इसीलिए अभी आप देख सकते हो पिछले 3 साल से इन्होंने, मतलब 3 साल में लॉन्ग टर्म में देखोगे तो 2019 से लेके 2022 तक अच्छा रिटर्न दिखाया है, लेकिन अभी देखो आप 2021 से ये साइडवेज चल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है अभी ये सही मौका है इसमें इन्वेस्ट करने का। देखो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं समझा रहा हूँ कि आप इस तरह से एनालिसिस कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इनका आप देख सकते हो एक्सपेंस रेशियो ये है, और यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ों का देखो पीयर्स देख सकते हो कि इनका सिमिलर फंड सब है, यानी कि ये इन्हीं के जैसा है, तो आप इनका पीयर्स चेक कर सकते हो, ग्रोथ वगैरह ये सब। और इसमें एग्जिट लोड 1% का है, मिनिमम लमसम आप 500 रुपये से कर सकते हो, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे कुछ कैलकुलेटर्स वगैरह हैं जिनको आप चेक कर सकते हो कि आपका क्या है नहीं है, कितने दिन में आप कितना निकाल सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अल्टीमेटली एक कैलकुलेटर दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हो अपने रिटर्न्स। इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर कौन कौन से हैं इनके बारे में आप जान सकते हो डिटेल में यहाँ पर जाकर। अब ये आप देख सकते हो इनके पास 66,000 करोड़ रुपए हैं जो कि मैनेज कर रहे हैं, पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है, और इनके पास आप देख सकते हो ढेर सारे पैसे हैं, ऑलमोस्ट 1,00,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है इनके पास फंड, और इनका 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको अच्छी रिटर्न दे सकते हैं ये। और बाकी सारी चीज़ों को आप एनालिसिस कर लेना अच्छे से, उसके बाद ही किसी म्यूचुअल फंड को चूज़ करना। यहाँ पर पोर्टफोलियो में आके आप इनका देख सकते हो कि यहाँ कहाँ कहाँ के कौन कौन से सेक्टर में पैसा इन्होंने लगाया है, आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हो। सारी चीज़ आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है देखने का, एनालाइज कर सकते हो आप एक एक चीज़ों को, जो जो चीज़ आपको लगता है कि हाँ यार आप, मैं फंड मैनेजर देखता हूँ, ऑप्शंस भी आप देख सकते हो ना कि आपको बेटर ऑप्शन क्या है वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो आप अपने हिसाब से चेकलिस्ट सब देख लेना कि यहाँ पे रिटर्न्स हैं सही है या नहीं है, कई बार ये माइनस में होता है, कट दिखा रहा होता है, तो ये सब आप देख के ही इन्वेस्ट करना। अगर ये सब ग्रीन है तो आपका लिए मतलब चेकलिस्ट सही है इनके हिसाब से, आप अपने हिसाब से भी देख लेना, क्योंकि हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट करने का फंडामेंटल थोड़ा सा चेंज हो। बाकी ओवरऑल आप यहाँ पर आके एनालाइज कर सकते हो। अब मान लो अगर आपने ये एनालाइज कर लिया कि हाँ यार ये मेरे को इस फंड में पैसा डालना, ब्लू चिप फंड है, जैसे आप उठाना मत ये वाला फंड, मैं बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आपको ये नाम कॉपी कर लेना है और जाना है अपने म्यूचुअल फंड ऐप में, मतलब अपने डीमेट अकाउंट में, और ये नाम सर्च करना है, वहाँ पर आप देख लो यही NAV चल रहा है, और उसके बाद आप प्राइस में मतलब उसमें SIP कर सकते हो या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस देखा आपने किस तरह से आप बड़े ही आराम से अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। तो आई होप चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, और अगर फिर भी कुछ रह रहा है तो भाई कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, जो पूछना है पूछ डालो, बस कमेंट कर दो। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, जाना है अपने डीमेट अकाउंट पे और म्यूचुअल फंड में जाना है, और अपने अपना जो भी आपने बेस्ट म्यूचुअल फंड वहां से देखा है उसी को, उसका नाम सर्च करो, देखो वही म्यूचुअल फंड है, उसके बाद उसमें पैसे इन्वेस्टमेंट कर दो, चाहे SIP करो या लमसम करो। SIP का मतलब क्या है कि आप हर महीने थोड़ा 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 उसमें पैसे लगाओ, और इन्वेस्टमेंट मतलब लमसम का इन्वेस्टमेंट का मतलब कि आप एक ही बार में ढेर सारा पैसा लगा दो। अब SIP और लमसम में क्या फायदा है और क्या फर्क है मैं बता देता हूँ। मार्केट कभी भी आप देखते हो ना, यू नहीं चलता है स्टॉक मार्केट, जो कभी भी यू नहीं चलता है, वो हमेशा जिगजैग होके चलता है, ठीक है, मतलब ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, इस तरह से मार्केट चलता है। तो होता क्या है, जब आप SIP करते हो ना तो ऊपर में भी आपका पैसा लग रहा है, नीचे भी लग रहा है, ऊपर भी आपका पैसा लग रहा है, नीचे भी लग रहा है, तो इस तरह से एवरेज होता जाता है प्राइस का। लेकिन वहीं पे लमसम आप कर देते हो, मान लो लमसम करने का तब फायदा है जब आपको दिख रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हो रहा है, जैसे भी रिसेंटली मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश था, अगर आप लमसम पैसे इन्वेस्टमेंट कर देते तो अभी आपको अच्छा रिटर्न दिख रहा होता। लेकिन अगर अभी आप लमसम इन्वेस्टमेंट करोगे तो हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट हो जाए, तो उसमें आपका लॉस हो जाएगा, आपका पोर्टफोलियो रेड दिखेगा। तो इसीलिए लमसम आपको तब करना है जब मार्केट क्रैश हो रहा हो, और SIP आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो मैंने नीचे एंजल वन का लिंक दिया, वहां पे आप बड़े ही आराम से वहां पे भी चूज कर सकते हो कि किस कौन सा म्यूचुअल फंड है, कितना रिटर्न दिया है, सारी चीज आप वहां पे भी एनालाइज कर सकते हो, या आपका जो भी ब्रोकर है वहां पर भी जाकर आप चीजों को चेक कर सकते हो। मेरे को पर्सनली एंजल वन अच्छा लगता है, इसलिए मैं एंजल वन के बारे में आपको बता रहा हूँ। नीचे लिंक है, आप चाहो तो उसमें जाकर फ्री में अकाउंट बना सकते हो, पहले पैसे लगते थे, अभी सब कुछ फ्री है, तो कुछ टाइम के लिए आप चाहो तो जाकर ऑफर चेक कर सकते हो। अब आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन इसके कुछ प्रो और कॉन्स भी है, यानी कि कुछ एडवांटेज और कुछ डिस
डिसएडवांटेज भी हैं, तो वो भी आपको जान लेने जरूरी हैं। वो जानने के लिए आप इस वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बताया आपको कि क्या आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है एक म्यूचुअल फंड का। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।